बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ जी आपके साथ। मैं आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। अपडेट यह है कि सऊदी अरेबिया में लॉकडाउन शुरू कर दिया गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ मैं वीडियो के स्टार्ट में ही आपको बता दूं भाई कि शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक ये न्यूज अक्सर टिकटॉक पर वायरल हो रही है। मैं इसके मतलब काफी न्यूज खुद देख चुका हूँ। यानी कि सुबह शाम 7 से सुबह 6 बजे तक भाई सऊदी अरेबिया में लॉकडाउन लगाया जा रखा है। ये फेक न्यूज है, इसके मतलब आप अपने कान मत धरिएगा। और दूसरी बात, कोई टाइम टेबल अगर आपको बता रहा है या कोई आपको डेट वगैरह बता रहा है, वो झूठ है जी। लेकिन लॉकडाउन शुरू कर दिया गया है, उसके मतलब आपको मैं अपडेट दे देता हूं। यहां पर लेटेस्ट, यहां पर एक बड़ा अरब मुल्क यानी कि कुवैत की तरफ से भाई लॉकडाउन लगा दिया गया है। गालबन उसके मतलब मैं यहां पर आपको न्यूज चलाकर दिखा रखा हूं। यानी कि रात, मुझे लग रहा है रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक का या 7 बजे से 5 बजे तक का टाइम वहां पर दे दिया गया है। यानी कि वहां पर लॉकडाउन लगा दिया गया है। सऊदी अरेबिया ने भी भाई इस पर अभी सख्ती से अमल शुरू कर दिया है। यानी कि बहुत सी चीजों पर भाई, बहुत सी चीजें आप बोल रहे हैं उन पर पाबंदी लगा दी गई है। यानी कि ये लॉकडाउन के जुमरे में ही आती हैं। जैसा कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, वैसे ही उसी हिसाब से ही लॉकडाउन लगाया जा रखा है। ये क्या है, आपको यहां पर मैं एक न्यूज चलाकर दिखा रखा हूं, आप देख रखे होंगे। कुछ भाई चीजों पर तो 30 दिन के लिए पाबंदी लगाई गई है और कुछ चीजों पर 10 दिन के लिए पाबंदी लगाई गई है। वो आपको मैं अपडेट दे देता हूं। यहां पर पार्टी होगी, तकरीबात होगी, शादियां लोग, सैनमा लोग, कोई भी ऐसी यानी कि कोई पार्टी वगैरह हो रही है कहीं बाहर, कोई 50 आदमी इकट्ठे हुए हैं। अगर आप 50 आदमी इकट्ठे अब हो जाते हैं, पहले भी फाइन था, अभी भी लेटेस्ट फाइन है जी, उसके मतलब एक पर पर्सन 1,000 है जी। और जो पार्टी करने वाला है उसे पहली दफा 10,000 है और दूसरी दफा गारमेंट 20,000 है। तो बात करूंगा कि ऐसी तमामतर तकरीबात जिनमें भाई शादी आल है, पार्टी तकरीबात हैं, ये तमामतर 30 दिन के लिए इनके ऊपर पाबंदी है। कोई भी किसी किस्म की पार्टी वगैरह नहीं होगी। हाँ, कोई इमरजेंसी की सूरत में कोई होता है जी, कोई जैसा कि नमाज जनाजा की सूरत हाल आपको बता दूं मैं, या कोई भी ऐसा कोई मसला मसाइल बन जाता है, तो 20 आदमियों को इकट्ठे होने की इजाजत है। वो भी 1 से 2 मीटर का फासला हर बंदे के दरमियान होना चाहिए और मास्क का इस्तेमाल हर बंदे ने लाजम किया होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं इंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स वगैरह पर। 10 दिन की पाबंदी है। यानी कि कोई भी किसी किस्म की सिनेमा हॉल वगैरह हैं, स्पोर्ट्स क्लब हैं, स्पोर्ट्स ग्राउंड हैं, कोई भी किसी किस्म की इंटरटेनमेंट वाली जगह है या कोई भी ऐसी जगह जहां पर भाई 20 से ज्यादा अफराद इकट्ठे होते हैं, वहां पर भी पाबंदी है और उन पर भाई 10 दिन के लिए पाबंदी लगाई गई है। रेस्टोरेंट है, होटल वगैरह है, इन पर भी 10 दिन के लिए पाबंदी लगाई गई है। तो सऊदी अरेबिया में भाई लॉकडाउन का जो सिलसिला है ये शुरू कर दिया गया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई शाम 8 बजे से सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगा दिया गया है या शहर टू शहर लॉकडाउन लगा दिया गया है। ये एक फेक न्यूज है जी, इस पर अपने कान मत धरिएगा। यही थी अपडेट लॉकडाउन के मुतल्लिक, अभी लेटेस्ट जो मैंने आपके साथ शेयर की है। इसके मुतल्लिक कोई भी किसी किस्म की न्यूज लॉकडाउन के मुतल्लिक आपको मिले तो वो फेक होगी जी। इसके मुतल्लिक जैसे कोई लेटेस्ट इंफॉर्मेशन कन्फर्मली हमें मिलेगी, वो आपके साथ मैं आगे आने वाली वीडियोज में शेयर करता रहूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी।